गुड गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे का और एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पुचाव लॉन्चर का अपडेट में क्या क्या आया है। वो अपडेट एक महीना पहले आ चुका है, तो सॉरी लेट बताने के लिए, बट बहुत सारी चीज़ें, तो वीडियो पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और अपडेट में बेसिकली कस्टम कंट्रोल का आया, बहुत सारे रेंडरर्स आए जो बेसिकली शेडर्स के लिए यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो पूरा देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पुजाव लॉन्चर बेसिकली एक माइनक्राफ्ट जावा एडिशन लॉन्चर है, जो आप फ़ोन से जावा एडिशन लॉन्च कर सकते हो। बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छा है, मोड्स, शेडर्स सब अवेलेबल, सब अच्छे से चलते हैं। मेरा पुजाव लॉन्चर का एक प्लेलिस्ट है, वो चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप में दे दूंगा। और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर गाइस ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो यार, बहुत कम फॉलोअर्स है इसलिए कर देना। और तो मैं सब कुछ बताना स्टार्ट करता हूँ, लेट्स गो। तो गाइस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फर्स्ट ये चीज़ आता है, जो अपना पुजाव लॉन्चर का कस्टम फाइल खुलता था वो वाला चेंज हो गया, अपने नॉर्मल फ़ोन के फाइल से हो जाएगा। ये रेंडरर्स है जो बेसिकली शेडर्स के लिए बने हैं, और जिन फ़ोन में नॉच है पर नॉच काम नहीं कर रहा है तो उसका भी आ गया, जैसे मेरे फ़ोन में नहीं था। और यहाँ तो और कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, बट अगला चेंज आता है अपने कस्टम कंट्रोल में। पर उससे पहले यहाँ एक अकाउंट जनरेटर का ऑप्शन है, जो बेसिकली आपको minecraft.net पे बाय करने का ऑप्शन दिखाएगा, और डोनेट कर सकते हो इनके पैट्रॉन पे, और चाहे तो मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हो, बहुत सस्ता है, ले लो भाई। और अगर हम लोग यहाँ थोड़े देख सकते हैं, नीचे थोड़े और भी सेटिंग्स बताया, मतलब क्या क्या अपडेट आया सब कुछ बताया इधर। और यहाँ मैं जाता हूँ कस्टम कंट्रोल्स पे, जो सबसे बेस्ट अपडेट इसका है, क्योंकि देख लो अगर आप एक की पे भी बहुत से अलग अलग की बाइंड कर सकते हैं, मतलब मैं चाहो तो अटैक भी कर सकता हूँ, और साथ में क्राउच का बटन भी कर सकते हो, तो अटैक करते टाइम क्राउच भी होएगा। आपको बस की सेट करना है, और टगल स्वाइप, स्वाइपेबल कीज़ आए हैं। फिर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो कलर का, की का, जैसे अगर मैं ओके करूँ देखो पूरा ऐप का ब्लूश हो गया। वैसे इसका मैं को तो वैसे ब्लैक की पसंद है, आप चाहते हो तो लो कर सकते हो। फिर स्ट्रोक है वाइट कलर का, स्ट्रोक का भी कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, बहुत काम का है भाई। देख सकते हो मेरा स्ट्रोक ऐसा वाइट है पूरा, बट मेरे को वाइट नहीं चाहिए क्योंकि अंदर का अटैक की नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा कम कर देते स्ट्रोक। और देख सकते हो कितना ओपी लुक दे रहा है कंट्रोल को, चाहे तो इसके ब्लैक को थोड़ा कम ओपेसिटी में भी कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो थोड़ा ही अच्छा लगता है ब्लैकिश में। और मैं स्ट्रोक बंद कर दिया, नॉर्मली अच्छा लग रहा था। तो देख लो और कोई चेंजेस तो नहीं है इसमें, इस अपडेट में और कोई चेंजेस नहीं आया पुजाव लॉन्चर के, बहुत काम का चीज़ था भाई। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे जो सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, बहुत सारे व्यूज़ लाओ यार। और प्लीज़ चैनल का मेंबरशिप भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आते हैं और यूट्यूब इनकम भी इतना नहीं है। तो प्लीज़ मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।